पूरे गुड़गांव की जनता की तरफ से, पूरे रियल एस्टेट परिवार की तरफ से, महामहिम माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के 18वें राज्यपाल, पूरी जनता की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी धर्मदेव जी को प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से, एक संकल्प से काम हो जाया करते हैं। मंच पे बैठे हमारे सभी भाई नरवीर जी और सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूं। ये कार्यक्रम 5 दिन पहले फाइनल हुआ था। 5 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई गई, पहले ही दिन हमारी टीम के 500 मेंबर बने और 5 दिन के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों ने सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं उनको बधाई देता हूं। यह बहुत बड़ी बात होती है, आप सब जानते हैं शहीदी दिवस। इस कार्यक्रम को लेके सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, आज से 10 महीने पहले महाराज श्री के साथ हरियाणा के गौरव, और सही कहूं अब तक के सबसे ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने कहा, हमने 26 जनवरी 15 अगस्त का प्रोग्राम मांगा, उन्होंने कहा अगर प्रोग्राम करना है तो 23 मार्च का कीजिए। इसके प्रेरणा स्रोत हमारे महाराज स्वामी धर्मदेव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। 1857 में देश की आजादी के लिए लड़ाई की शुरुआत हुई। हरियाणा के राजा राव तुलाराम ने भी बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, 1858 में वो भी शहीद हो गए। 1857 से लेके 1947 तक 90 साल संघर्ष चला। 7 लाख लोगों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, और उसमें से सिर्फ 3300 लोग हैं जिनके नाम रिकॉर्ड में हैं, बाकी सब गुमनाम शहीद हैं। प्रणाम करते हैं उन गुमनाम शहीदों को इस गुड़गांव की जनता के माध्यम से, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। आज का दिन, शहीदी दिवस का दिन, शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु जी, उनको फांसी दे दी गई, आप सब जानते हैं, मन में एक पीड़ा भी थी। आज हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन, देश को आजाद हुए अभी सिर्फ 75 साल हुए हैं, और अभी से उनमें संस्कार पड़ने चाहिए। आज आप किन की वजह से हैं? 1857 से लेके 1947 तक जिन वीर शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उनको नमन करने का यह दिन है। आप सब जानते हैं, पढ़ा होगा, शहीद भगत सिंह आज भी एक हीरो के रूप में माने जाते हैं। 24 साल की छोटी सी उम्र के अंदर पूरी दुनिया को एक अध्याय पढ़ा दिया, देशभक्ति से ऊपर, राष्ट्रभक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। एक बहुत बड़े परिवार के बेटे थे, आज ये रियल एस्टेट का परिवार बैठा है। बताना चाहता हूं, आप सबसे भी बड़ा अस्तित्व भगत सिंह जी के परिवार का था। असेंबली में बम फेंका, सैंडर्स का वध किया, असेंबली से भाग भी सकते थे, पर जज्बा क्या था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। ये तालियां कमजोर हैं भगत सिंह जी के लिए। इंद्र के सिंहासन पर बैठे भगत सिंह, शहीद सुखदेव राजगुरु तक आपकी तालियां जानी चाहिए। जब फांसी दी गई,
1931 23 मार्च का वो दिन, तीनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, एक दूसरे से गले मिले। और जानते हैं आप क्या था सपना और क्या चाहते थे वो? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और इसकी शुरुआत 23 मार्च के इस कार्यक्रम की शुरुआत, आप सभी उसके बधाई के पात्र हैं, गुड़गांव की इस धरती से पहली बार हुई है गुड़गांव के अंदर। और यह एसोसिएशन हर साल अपना एनुअल प्रोग्राम 23 मार्च को ही किया करेगी। उन्नीस में देश आजाद हो गया, दो बहुत बड़ी चीज थी, आजादी मिलना और आजादी को जिंदा रखना। हमारी सेनाएं 1962, 1965, 1971 और 1999 कारगिल, आपने देखा चार बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई और पूरे शौर्य के साथ हमारी सेनाओं ने दुश्मनों का मुकाबला किया। अभी हमारे जोश भर देने वाले भाई दिनेश रघुवंशी जी जो बता रहे थे, मैं दोबारा बता देना चाहता हूं, 1962 में रेजांगला जब युद्ध हुआ, 120 सैनिकों की टुकड़ी थी जिसमें से 114 वीर वहीं पे शहीद हो गए, 4000 चाइना के सैनिकों को एक इंच जमीन कब्जा नहीं करने दिया, और उसमें से 6 लोग बचे थे, 6 वीर सैनिक बचे थे, उसमें से 3 आज आपके सामने हैं जिनका आपने अभी सम्मान किया है। अभी जब हम बात कर रहे थे, 23 वीरांगनाओं की बात कर रहे थे, बहुत से लोगों को बात की गई, हमें पता चला, कुछ ने हमें भी कहा कि कुछ को पेट्रोल पंप मिल गए। मन में एक बात आई, क्या ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई मां, कोई बहन, कोई बीवी हो सकती है जो सिंदूर के बदले, जो कलाई की राखी के बदले और कोख के बदले दुनिया के सारे पेट्रोल पंप ले ले और अपने बच्चे को शहीद करवा दे? ये सिर्फ वो माएं हैं, और ये मानना पड़ता है, शहीद तो एक बार शहीद होता है, शहीद के परिवार हर रोज शहीद होते हैं, हर रोज सुबह उनको ढूंढती है। और आज जब ये बात आती है हमारे हरियाणा के अंदर गुड़गांव के अंदर, आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आपको जान के बहुत खुशी भी होगी। हरियाणा से जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं उसमें बहुत बड़ा बलिदान हरियाणा से हुआ है, जितने वीरता पुरस्कार मिले हैं उसमें 11% सिर्फ हरियाणा को मिले हैं, पूरे देश में 11% का हरियाणा को गौरव प्राप्त है। आज जब बात आती है, ये मेरे राइट साइड में जितने भाई खड़े, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर एक शब्द भी आपने बोला ये अपमान होगा उन सैनिकों और शहीदों का, रिक्वेस्ट करता हूं। आज हम देखते हैं उन लाखों शहीदों की वजह से, हजारों उन सैनिकों की वजह से, कभी भी पूछता है क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्ध में मर जाते हैं, सीमाओं पे गोली खा के देश की लाज बचाते हैं? यह देश उनका नहीं, आपका भी है, हमारा भी है। आज जो गुड़गांव में शुरुआत हुई है, जो शहीदी दिवस का प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, मेरा विश्वास है जितना साथ आपने दिया, ये पूरे हरियाणा को नहीं पूरे भारतवर्ष को मैसेज मिलना चाहिए। 23 मार्च होली दिवाली मने न मने, 23 मार्च का त्योहार उत्सव की तरह मने, हर गांव हर देश के कोने कोने में मचे। हमारी वीरांगनाओं को मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से, जिन वीरों की वजह से
हमारी सेनाओं की वजह से, हमारी पुलिस की वजह से आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं। पर मैं आपसे आज इस मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, आज जितने आप लोग बैठे हैं ये एक मानसिक परिवर्तन है कि हमें देश के लिए जीना है, शहीदी दिवस के प्रोग्राम में जाना है। आज आप सारे जरूरी काम छोड़ के इस प्रोग्राम में आए, परिवार के साथ आए, और मुझे पूरा यकीन है। अक्सर मोदी जी भी कहा करते हैं एक मानसिक स्थिति को हमें बदलना होगा। मेरा क्या, मुझे क्या, अरे जिस देश को आजाद कराने के लिए लाखों वीरों ने कुर्बानी दी, हजारों सेनाओं के हमारे बहादुर सिपाहियों ने कुर्बानी दी, क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं कि इस देश के लिए हम भी कुछ करें? और मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप एक संकल्प लें, जब भी जहां भी तन से मन से और धन से मेरे राष्ट्र को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं अपने राष्ट्र के लिए काम करूंगा। जो मेरी बात का समर्थन करते हैं हाथ खड़ा होकर इस बात का समर्थन करें। पूरी उम्मीद करता हूं ये बात पूरे देश में जाएगी। और माननीय महामहिम जी, इस बात के बाद जो मोदी जी का सपना 10 साल में भारत बदलेगा, अगर यह संकल्प पूरा देश ले ले तो 10 साल नहीं 10 महीने में भारत बदलेगा। आज जो आप सबने सहयोग किया, साथ दिया, सब लोग साथ आए, मैं मंच पे पधारे सभी हमारे माननीय महामहिम जी का धन्यवाद करता हूं और उन वीर शहीदों को, हमारे सैनिकों को प्रणाम करता हूं पूरे गुड़गांव की तरफ से। एक बार पूरे जोश के साथ, पूरे जोरों के साथ आवाज इतनी बुलंद हो कि वहां तक जाए जो 23 मार्च के दिन आज सोए हुए हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महामहिम हमारे राज्यपाल जी का और सभी पधारे बंधुओं का, बहुत बहुत धन्यवाद।